हेलो स्टूडेंट, आपने देखना शुरू कर दिया स्किल डायरेक्शन। आज हम पीएचडी से रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हैं। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था पुणे, जहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड अपडेट आया है। हेलो स्टूडेंट, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि स्किल डायरेक्शन पर पीएचडी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पिछले एक महीने में स्किल डायरेक्शन ने 70 यूनिवर्सिटियों के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर ऑन टाइम वीडियो बनाया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्किल डायरेक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। देखिए यहाँ पे पीएचडी से रिलेटेड अपडेट आया है। ये देखिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और पीएचडी प्रोग्राम है, दो है, एमएससी प्रोग्राम है और बीएससी एमएससी है, इंटीग्रेटेड है प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सब निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट के पास 60% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेटेड इक्विवेलेंट ग्रेड भी होना चाहिए। यहाँ पे मास्टर डिग्री में साइंस मैथमेटिक्स 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री, नेट गेट वो पास होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के तहत भी यहाँ पे एडमिशन होगा। यहाँ पे लिंक है यहाँ पे, और आप ये कर सकते हैं, भर सकते हैं। और एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम बैच स्टार्ट जो होगा वो आपको अगस्त से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन अगर कोई कोविड-19 पेंडेमिक होगा तो पीएचडी में भी होल्ड ऑनलाइन हो जाएगा, किया जाएगा यहाँ पे। और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात किया जाए तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये हो गया, और उसके बाद स्क्रीनिंग किया जाएगा, और उसके बाद ही अगला आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। और आपको इंटरव्यू का सिलेक्टेड कैंडिडेट और स्क्रीन करने के बाद जो डेट होगा वो आपको बाय मेल सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो ऑल कम्युनिकेशन कैंडिडेट विल बी बाय मेल आप कर सकते हैं, और वेबसाइट पर अपडेट देखते रहिए, जो भी अपडेट होगा आप चेक करते रहिए। और इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू पीएचडी कॉन्टेक्ट द इस वेबसाइट पर, ईमेल आईडी पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और SC ST जो कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एडमिशन में 5% की, और ये हो गया। और जो एज पर द पूरा डिटेल्स दिया है यहाँ पे मार्च में क्या क्या है। और सब्जेक्ट की बात करें तो आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, डाटा साइंस में, अर्थ साइंस में, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस हो गया, ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी अगस्त से होगा, और ये पूरा डिटेल्स दिया है यहाँ पे। सोशियोलॉजी कौन कौन सा सब्जेक्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, और ये हो गया। और इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन बोथ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल जो है उनके नाम दिया गया है, देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, तो ये इनके अंदर में है। आप एरिया स्पेशलाइजेशन भी देख लीजिए और यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पूरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे। और न्यूरोलॉजी में देख लिए, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में, फिक्शन में, और प्लांट बायोलॉजी है हुआ है पूरा यहाँ पे थ्योरेटिकल, तो ये सब है। और एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है पहले ही, 60% मान होना चाहिए, और SC ST OBC है तो आपको 55% है, 5% का आपको छूट मिलेगा यहाँ पे, और इस पर द गवर्नमेंट रूल के अनुसार। और अगर नेट JRF है और उनको फेलोशिप दिया जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पे डिटेल्स है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मैंने पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे है 12 अप्रैल से शुरू हो गया है, एप्लीकेशन ओपन हो गया है,
और लास्ट डेट है 24 मई तक है लास्ट डेट है, और जुलाई में इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो ये हुआ, अगर कोई भी है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पर। और यहाँ पर दिखा देते हैं आपको क्लिक करके कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए डॉक फाइल खुल गई यहाँ पे, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बायोलॉजी, यहाँ पे आप पूरा भर के अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, गूगल डॉक का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नाम डाल के, अपना पूरा पता डाल के, और बर्थ डेट ऑफ बर्थ के, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पूरा डाल के आपको पूरा यहाँ पे। तो नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा पीएचडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।